सो हेलो गाइज, सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कार के साथ फोटो एडिटिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग। सो गाइज, अगर आप नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज चलिए चलते हैं इंट्रो के साथ। सो गाइज, सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है और पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद इस प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर राइट साइड में देख सकते हो वॉल फोटो के अंदर क्लिक करूंगा और यहां पर बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा, ठीक है, जो कार वाला बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लूंगा। सो गाइज, अब क्या करूंगा, जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर और एक PNG ऐड करूंगा। सबसे पहले इस PNG को ऐड कर लेता हूं और ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लूंगा और बड़ा करने के बाद जाऊंगा ब्लेंड इन में और इसको कर दूंगा स्क्रीन। सो गाइज, अब कुछ नहीं करूंगा, लेफ्ट साइड में ऊपर डन कर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके और सीधा चला जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर और ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद जो मॉडल का PNG है उसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से बड़ा कर लूंगा, ठीक है, और बड़ा करने के बाद इसको कर दूंगा डन और डन करने के बाद शैडो डालने के लिए जाऊंगा ड्रॉ टूल के अंदर। तो ड्रॉ टूल के अंदर जाऊंगा और ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद नीचे कलर वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करूंगा और यहां पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और पेन वाला आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ब्लर वाला ब्रश लेना है, यहां पर जो ब्लर वाला ब्रश इसको ले लेना है, ठीक है, और इसका साइज बड़ा कर लेना है और ऊपर से टिक कम कर देना है, ठीक है, कुछ इतना, और कर देने के बाद फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से शैडो डाल लेना है, ठीक है। सो गाइज, एकदम रियलिस्टिक लगेगा देखने के लिए, ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइज, कुछ इतना हो जाने के बाद ऊपर देख सकते हो एक आइकॉन है, इसको ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हो ऊपर से टी इसको थोड़ा सा कम कर लूंगा, ठीक है, कुछ इतना कर लूंगा, 70 61, ठीक है, और यहाँ पर डन कर दूंगा। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। सो गाइज, देख सकते हो एकदम रियल लग रहा है, ठीक है। तो गाइज, अब क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर और ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद जो हमारा सेकेंड PNG है, लाइट PNG, इसको ले लूँगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से बड़ा कर लूँगा और ब्लेंडिंग में जाऊँगा और इसको कर दूँगा स्क्रीन, ठीक है। सो गाइज, इसको कर दूँगा डन और डन करने के बाद गाइज देख सकते हो यहाँ पर कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो गाइज, अब क्या करूँगा, फ़ोटो को सेव कर लूँगा, ठीक है, तो ड्रॉ टूल के अंदर जाऊँगा और लेफ्ट साइड में देख सकते हो 3 डॉट, यहाँ पर क्लिक करके सेव टू इमेज कर लूँगा और फ़ोटो को थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए जाऊँगा लाइट रूम के अंदर। तो चलिए चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइज, लाइट रूम के अंदर आने के बाद ऊपर देख सकते हो वॉल फोटो के अंदर क्लिक करूँगा और नीचे देख सकते हो राइट साइड में ऐड फोटो के अंदर क्लिक करूंगा और पिक्सआर्ट के अंदर जो एडिट किया हुआ फ़ोटो है उसको ऐड कर लूंगा, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेता हूं। गाइज, अब क्या करूंगा, फ़ोटो को ओपन कर लूंगा, फ़ोटो को एक बार क्लिक करके ओपन कर लूंगा, ठीक है, और ओपन करने के बाद चला जाऊँगा लाइट बल्ब ऑप्शन के अंदर, लाइट बल्ब ऑप्शन के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा कुछ इतना, 31 30, और हाईलाइट को कम करूँगा 20 और सैचुरेशन को भी कम कर दूंगा, ठीक है, 28 8 या 9 कर सकते हो, ठीक है। तो आप गाइज, यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, सीधा ब्लैक को थोड़ा सा कम करूँगा और चला जाऊँगा यहाँ पर थर्मामीटर वाला ऑप्शन के अंदर और थर्मामीटर वाला ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा 40 के आसपास और ऊपर टेम को थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है, और सीधा चला जाऊंगा ऊपर राइट साइड में मिक्स के अंदर, ठीक है, और मिक्स के अंदर जाने को बाद गाइज क्या करूंगा, रेड कलर का ह्यू को थोड़ा सा कम करूंगा और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है, और चला जाऊंगा ऑरेंज कलर के अंदर,
जो दो नंबर पर है ऑरेंज कलर के अंदर आ जाऊंगा, और यहाँ पर सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करूंगा और लुमिनेंस को बढ़ा लूंगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर फेस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब क्या करूंगा, और दूसरा कोई टूल्स नहीं छोड़ूंगा, सीधा चला जाऊंगा स्काई कलर के अंदर, और यहाँ पर आ जाने के बाद ह्यू को थोड़ा सा कम करूंगा और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, ठीक है। अब चला जाऊंगा ब्लू कलर के अंदर और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और सेचुरेशन को भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। सो गाइज देख सकते हो बैकग्राउंड कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं करूंगा, डन कर दूंगा। डन करने के बाद जाऊंगा इफेक्ट वाला ऑप्शन के अंदर, टेक्सचर को थोड़ा सा कम करूंगा, क्लैरिटी को बढ़ा लूंगा कुछ इतना, और बिग्नेटेड को थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो देखने के लिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, डिटेल वाला ऑप्शन के अंदर आ जाऊंगा, शार्पनिंग को थोड़ा सा डाल लूंगा और नॉलेज रिडक्शन को भी थोड़ा सा डाल लूंगा, और नीचे कलर नॉलेज रिडक्शन को भी थोड़ा सा डाल लूंगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था फोटो और आफ्टर वाला कैसा बन चुका है लाइट रूम पर एडिट करने के बाद। तो गाइज फोटो को सेव करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर देख सकते हो शेयर वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करूँगा और नीचे एक्सपोर्ट के अंदर क्लिक करूँगा, और राइट साइड में ऊपर देख सकते हो एक एरो, यहाँ पर क्लिक करके फुल HD में सेव कर लूँगा, ठीक है। तो गाइज वीडियो को ज़रा से पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ इसके